केसीआर अपनी हैट्रिक बनाने से तो चूक गए हैं, लेकिन तेलंगाना का रुझान किस तरीके से बता रहा है अब वो परिणाम ही बताएंगे। लेकिन उसके बाद आपको बता दें कि एक और बड़ा बयान सामने आ चुका है, जहां पर आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णन द्वारा एक बयान दिया गया है, जहां पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन का ये बड़ा बयान काफी कुछ मायने रख रहा है। कांग्रेस को सनातन का श्राप ले डूबा है। प्रमोद कृष्णन का यह बड़ा बयान सामने आया है, सनातन का विरोध देश को स्वीकार नहीं, कृष्णन ने यह बड़ा बयान दे दिया है। और ये बड़ा बयान कई मायनों के लिए अब सामने आता नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन का ये बड़ा बयान सीधे आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार ऐसे बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है, जिस तरीके से अब रुझान आने शुरू हो चुके हैं, रुझान परिणाम में बदलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अब जिस तरीके से अब विचारों के आदान प्रदान चल रहे हैं, बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है, उसी बीच प्रमोद कृष्णन एक बयान देते हैं। उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को श्राप ले डूबा है, कांग्रेस को सनातन का श्राप ले डूबा है। ये बड़ा बयान प्रमोद कृष्णन द्वारा दिया गया है। सनातन का विरोध देश को स्वीकार नहीं है, इसको लेकर प्रमोद कृष्णन ने यह बड़ा बयान देते हुए एक और जिसे कहेंगे पहल कर दी है। और ये जंग छिड़ चुकी है, क्योंकि लगातार कांग्रेस सीना ठोक कर ये दावा कर रही थी। तो चलिए अब सीधे के रुख करते हैं।